नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। इसमें हम लोग बात कर चुके थे मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन के बारे में। इसमें बात करेंगे हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में। क्या है सूफी आंदोलन? वहादत उल वजूद अथवा ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन इब्नुल अरबी ने किया था। याद रखना है, वहादत उल वजूद अथवा ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इब्नुल अरबी ने। सूफीवाद की फना फिर रसूल तथा फना फिल्ला श्रेणियाँ हैं। 12वीं शताब्दी एक सूफी संप्रदाय सिलसिलों में विभाजित था। आईने अकबरी, क्या आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। यहाँ 12 थे, यहाँ 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। जो लोग सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहते थे, और गुरु को क्या कहते थे? इनके पीर। शिष्य को मुरीद और गुरु को पीर। सूफी के निवास को खान कहा है या मठ कहा जाता था। पूछ लेते हैं, सूफी के निवास को क्या कहते हैं? खानकाह या मठ? भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1190 ईस्वी में थे। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 1190 ईस्वी में। मुइनुद्दीन चिश्ती अंततः अजमेर में बस गए। राजस्थान के अजमेर शरीफ सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह है। यहाँ पर चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। फरीद उद्दीन गंज ए शंकर ने पंजाब तथा हरियाणा को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। निजामुद्दीन जो औलिया थे ये बाबा फरीद के शिष्य थे। महमूद ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। महमूद ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। सूफी संतों के केंद्र विभिन्न खानकाह थे। इनके केंद्र बिंदु पीर थे। ठीक है, पीरों को अलौकिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीर खुदा के निकट रहने से सब कुछ सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में मुरीद खानकाहों में उपस्थित होते थे। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु, और मुरीद शिष्य को मुरीद कहते हैं। ठीक है, पीर और मुरीद में बहुत गहरा संबंध होता है। आगे बात करें, सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। याद रखना है, सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें योग सिद्ध भी कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ग्यासपुर दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? ग्यासपुर दिल्ली में। ग्यासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। याद रखिए, ये कथन कई बार पूछ लिया है। सबसे पहले पूछ सकता है कि अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा? तो याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए कहा था? तो याद रखना, ग्यासुद्दीन तुगलक के लिए। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत हुए शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती पंथ के लोग संगीत एवं अद्वैतवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। भारत में सोहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक बहाउद्दीन जकारिया हुए। सोहरावर्दी संतों का सिद्धांत था, यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। कादरी सिलसिला की स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। याद रखना, दारा से को कादरी सिलसिला में
सिलसिला से संबंधित था। ठीक है, मजमा उल बहरेन दारा सिको ने लिखा है। दारा सिको द्वारा किए गए सभी उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से हुआ है। भारत में नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा वाकी बिल्लाह थे। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित था। अहमद फारूक सरहिंदी ख्वाजा वाकी बिल्लाह के शिष्य थे। अहमद फारूक सरहिंदी ख्वाजा वाकी बिल्लाह के शिष्य थे। शेख अहमद सरहिंदी ने वहादत उस सुहूद सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। सूफियों में सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला था नक्शबंदी सिलसिला। सूफियों में सर्वाधिक कट्टरवादी सिलसिला कौन सा? नक्शबंदी सिलसिला। अकबर द्वारा प्रतिपाद दीन ए इलाही धर्म का खंडन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। सतारिया सिलसिला के प्रवर्तक आपके शेख अब्दुल सत्तार थे। सतारिया सिलसिला के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार थे। ठीक है, आगे बात करें। हुमायूं के समकालीन मोहम्मद गौस शेख अब्दुल सत्तार थे। कलंदरिया सिलसिला के प्रवर्तक सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की थे। ठीक है, मदारिया सिलसिला के प्रवर्तक शेख वहीउद्दीन साहम दार थे। भक्ति और सूफी दोनों आंदोलन ने ही मूर्ति पूजा को नकारा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। सूफी प्रमुख सूफी सिलसिले ये सिलसिला हो गया। संस्थापक प्रभाव क्षेत्र चिश्ती ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इसके संस्थापक थे। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सामान्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक, सुहरावर्दी सिलसिला इसके संस्थापक थे हजरत बहाउद्दीन जकारिया। उच्च सिंध एवं मुल्तान क्षेत्र आता था इसके प्रभाव में। कादिरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसके संस्थापक थे। मुल्तान पंजाब इसका प्रभाव क्षेत्र। सत्तारी शाह अब्दुल्लाह सत्तारी इसके संस्थापक थे। मध्य और पूर्वी भारत में इसका प्रभाव था। नक्शबंदी ख्वाजा वाकी बिल्लाह इसके संस्थापक थे। पंजाब एवं दिल्ली इसका प्रभाव क्षेत्र था। फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन इसके संस्थापक थे। बिहार इसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल था। क्या था? बिहार। कुबिबिया मीर सैयद अली हमदानी इसके संस्थापक थे। कश्मीर इसका प्रभाव क्षेत्र था। कलंदरी इसके संस्थापक थे आपके शेख अबूबकर लूसी और दिल्ली पंजाब इसका प्रभाव क्षेत्र था। अब बात करते हैं प्रांतीय शैली के अंतर्गत निर्मित महत्वपूर्ण भवन। प्रांतीय शैली के अंतर्गत निर्मित महत्वपूर्ण भवन ये भवन हो गए, ये निर्माणकर्ता हो गए, ये शैली हो गए। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर शैली। जामी मस्जिद हुसैन शाह सरकी जौनपुर शैली। झंझरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर शैली। पंडुआ की अदीना मस्जिद सिकंदर शाह सरकी जौनपुर शैली। मांडू का किला होसंग शाह मालवा शैली। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल नसरुद्दीन शाह इसके निर्माणकर्ता थे। ये था मालवा शैली। ठीक है, आगे आपका होसंग शाह का मकबरा महमूद पिथम इसके संस्थापक थे निर्माणकर्ता मालवा शैली में। हिडोरा महल होसंग शाह मालवा शैली में। जहाज महल सुल्तान महमूद पिथम ने मालवा शैली में बनवाया। अकूब महल महमूद खिलजी पिथम मालवा शैली में। जामा मस्जिद अहमद शाह पिथम गुजरात शैली में। अहमद शाह का मकबरा मोहम्मद शाह ने बनवाया गुजरात शैली में। जामा मस्जिद सिकंदर शाह ने बनवाया कश्मीर शैली में। श्रीनगर में आपकी जामा मस्जिद। ठीक है, बुत सिकंदर शाह का दूसरा नाम क्या है? बुत सिकंदर।
तो ये था आपका सूफी आंदोलन, क्या था? सूफी आंदोलन। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अब आगे चलकर मुगल साम्राज्य के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्या है मुगल साम्राज्य। ठीक है, आगे बात करेंगे हम।